प्रतिबंध के बाद भी धड़ल्ले से बिक रही अमानक पॉलिथीन को लेकर इंदौर जिला प्रशासन और नगर पालिका ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान निगम ने अवैध रूप से बेच रहे पॉलिथीन व्यापारी पर 25,000 रुपए का स्पॉट फाइन भी किया। इंदौर नगर निगम ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बिक रही प्रतिबंधित पॉलिथीन को जब्त करने की कार्रवाई की। निगम को एक डिस्पोजल व्यापारी के घर से करीब 500 किलो अमानक पॉलिथीन का जखीरा बरामद हुआ, जिसे जब्त कर ट्रेंचिंग ग्राउंड भेजने की कार्रवाई की गई। तो वहाँ पर बहुतायत मात्रा में मतलब लगभग 500 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन कैरी बैग पाई गई। वहाँ से हम लोगों ने पॉलीथीन कैरी बैग जब्त की और दुकान जिस पर शटर लगा था, ताला लगा था, ये हम लोगों ने खुलवाई। तो यहाँ भी लगभग 5 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन कैरी बैग पाई गई है। तो इस पर हमने इन लोगों के इनके खिलाफ 25,000 रुपये का स्पॉट फाइन किया है और इनको वार्निंग दी गई कि दोबारा, पहले भी इन पर कार्रवाई की जा चुकी है, लास्ट वार्निंग दी गई कि ये दोबारा पाया गया तो आप FIR दर्ज की जाएगी। गौरतलब है कि निगम द्वारा पॉलिथीन के हैंडबैग और 50 माइक्रोन से कम की किसी भी तरह की पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाया गया है। निगम लगातार प्रतिबंधित पॉलिथीन बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज।